तो शीतल सिंह जी, आज जो आपने श्रद्धांजलि दी है सिद्धू मूसेवाला को, उस बारे में बताएं। मैं आज डिवाइन ग्रुप के रोहित जी और आरती मैम और दीपांश जी, प्रिंस जी और बाकी आए सभी बहनें, आज हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम रखा था मूसेवाला जी का, वो बड़ा दुख भी हो रहा, बड़ा दिल से आवाज़ भी नहीं निकल रही आज, क्योंकि ये एक ऐसे सिंगर थे जो पंजाब से उठ के, छोटे से गांव से उठ के, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और कम उम्र में, और काफ़ी फैन थे इनके बहुत ही ज़्यादा, और बड़े ही लोग, काफ़ी लोग जो इनके फैंस थे सदमे में आए जब ये उनके साथ, जो एक बड़ी दुख वाली बात हुई है जो मैं अभी सारी दुनिया को पता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मेरी यही आज अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इनके जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए। और दूसरी दुख की बात आज हुई जब सुबह हमें पता चला कि जो हमारे जम्मू ईस्ट के MLA अर्जेश गुप्ता जी, बड़े एक अच्छे लीडर थे और एक गरीब फैमिली से निकल के उन्होंने काफ़ी जम्मू में काम भी किया और उसके बाद वो MLA भी बने, और काफ़ी दुख भी हुआ जो उनके चाहने वाले थे, तो मैं उनका बड़ा हमें दुख है। और आज हमने उनके लिए जहाँ पे अफसोस रखा था और पहले श्रद्धांजलि दी, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, आज बड़ी दुख की घड़ी है, एक तरफ हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे MLA जम्मू ईस्ट के नहीं रहे हैं। तो कंचन मैम, आप बताइए, आज आपने भी यहाँ पे शोक प्रकट किया, उस बारे में। जी, हमें तो बड़ा अफसोस है सिद्धू मूसेवाला की, मतलब जब डेथ हुई मेरे को काफ़ी शॉक लगा, मतलब काफ़ी, मतलब दुनिया में मतलब बेस्ट सिंगर थे। दिव्यांश बाबा, पीछे भी देखा गया आपने सिद्धू मूसेवाला की डेथ पे वीडियो बनाया था और कहा था कि काफी अब काम नहीं हो पाएगा, तो आप सिद्धू मूसेवाला से काफी प्रेरित थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला जी जो थे वो हमारे एक पंजाब के स्टार थे, और वो स्टार आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो एक मानसा जिला से थे, ठीक है। बहुत ही मेरे को आज दुख से कहना पड़ रहा है कि आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम डिवाइन में। ये दिन सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा हमारे पास, बट फिर भी मैं कहता हूँ वो आज भी शेर है और हमेशा शेर ही रहेगा। आज भी वो दिलों में राज कर रहे हैं, और ये जो मैं एक ही बात बोलता हूँ, उनके जो हथियारे हैं ना उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार ने। और जितने भी आर्टिस्ट भाई हैं ना, सब एक दूसरे से, किसी से जलो नहीं यार, अगर कोई आगे जा रहा है ना उसको सपोर्ट करो, कंधे से कंधा मिला के चलोगे ना तो बड़ी दूर तक पहुंचोगे। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो क्या है यार, आज सिद्धू मूसेवाला मेरा कल को कोई और टारगेट बनेगा यार, टारगेट ना बनाओ यार, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धक्का हुआ है यार। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री खत्म हो गई यार, कि ऐसी नज़र लगी इंडस्ट्री को। बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि एक सिद्धू मूसेवाला जी तो मतलब कि हमें सबको छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें ना, आज भी उनकी यादें दिलों में हैं, और लोगों ने, कईयों फैंस ने उनके टैटू भी टैटूज बनाए हैं। सिद्धू मूसेवाला आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा। जम्मू में एक टैटू इसको देखा गया, वो सिद्धू मूसेवाला का फ्री टैटू बना रहे हैं। जी, मैं वो चीज़ भी देख रहा हूँ, बट बड़ी अच्छी ये बात है कि मतलब कि इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और वो शेर शेर इंसान है, शेर दिल इंसान है, जैसे कहते हैं बब्बर शेर, वो बब्बर शेर है, वो बब्बर शेर आज भी जिंदा है और हमारे दिलों में आज भी है, और वो हमेशा अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सिद्धू तेरा नाम रहेगा। तो सोनिया मैम, आप क्या बोलेंगी इस बारे में? मैं यही बोलूंगी, आज हमें यहाँ पे श्रद्धांजलि दी सिद्धू मूसेवाला भाई को, बहुत ही दुख हुआ उनको श्रद्धांजलि देते हुए। मैं यही कहूँगी, यही अपील करूँगी कि गवर्नमेंट से, कि बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई जो नहीं होना चाहिए था। एक माँ का बेटा उनको इस उम्र में अपने बच्चे को कोई ऐसे इस दुनिया से जाते देख नहीं सकता, इसलिए प्लीज़ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनके कातिलों को बाकी जस्टिस दी जाए, हमारे सिद्धू मूसेवाला भाई को। बहुत ही अच्छे सिंगर थे, बहुत ही फेमस सिंगर थे पंजाब के, बहुत ही दुख हुआ, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब उनके लिए लड़ें और उनको जस्टिस मिले। थैंक यू।